नमस्कार दोस्तों, दो चक्का स्कूटी ट्रेनिंग में आपका स्वागत है। तो आज हम लोग यहाँ पर वीडियो बनाना का हमारा मेन पर्पस है। यहाँ पर हम लोग आपको जो हमारा ट्रेनिंग मॉड्यूल होता है उसको हम लोग को आपके सामने ले आना। जैसे आप YouTube पे देखते होंगे अक्सर कि यहाँ पर लोग बताते हैं कि 5 मिनट में स्कूटी सीखे, 10 मिनट में सीखे, 1 दिन में स्कूटी चलाना सीख ले आप। तो ये मतलब मैं मानता हूँ कि ये झूठ है मेरे ख्याल से। और आप ट्राई भी शायद किए होंगे, आप लोग YouTube पे बहुत सारे जो चैनल वाले हैं वो लोग डालते हैं, आप ट्राई भी किए होंगे उस चीज़ को लेकर। बट उससे आपको एक छोटा हेल्प मिल सकता है। आप एक दिन में स्कूटी कोई नहीं सीख सकता है भाई, पहली बात। दूसरी बात कि जो अभी तक हम लोग यहाँ पर कस्टमर की वीडियो अपनी डाल रहे थे, जो भी हमारी, क्योंकि ड्राइविंग स्कूल है जो कि रांची, पटना, भोपाल में चलती है, 3 जगह हमारा सर्विस है। और जो भी हम लोग के कस्टमर्स हैं जो सीखते हैं हमारे से, उनकी अभी तक हम लोग शॉर्ट्स वीडियो अभी तक अपलोड कर रहे थे। बट अब हम लोग उस चीज़ को आपके सामने डिटेलिंग करने वाले हैं कि कैसे हमारा फर्स्ट डे होता है, सेकंड डे होता है, तो पूरा डिटेल हम लोग आपके साथ करेंगे एक दिन। और हर एक दिन आप लोग को बनना है, हमारे साथ जुड़ना है, ताकि आप लोग को बहुत एक अच्छा रिजल्ट मिल सके इस चीज़ में। तो बने रहें हम लोग के साथ आगे। तो चलते हैं, आज हमारा फर्स्ट डे है। हम लोग फर्स्ट डे में क्या क्या चीज़ बताते हैं, ये फर्स्ट डे के लिए बस होगा। उसके बाद फिर सेकंड डे के दिन अगला वीडियो आएगा। तो छोटा छोटा वीडियो से हम लोग छोटे छोटे स्टेप लेकर आगे बढ़ेंगे और स्कूटी सीखेंगे, ठीक है। चलिए शुरू करते हैं। अब गाड़ी का सारा हम लोग फंक्शन समझ लेते हैं, क्या है फंक्शन। पहले आ जाते हैं, ये डैशबोर्ड है, ये जो है इसको स्पीडोमीटर बोलते हैं, ठीक है। अब आ जाते हैं ये डैशबोर्ड में और क्या क्या चीज़ें हैं। पहले यहाँ पर आ जाते हैं, इसको बोलते हैं एक्सेलेटर, ठीक है। मेन चीज़ यही है बाबू, ये एक्सेलेटर आपको बढ़ाएगा और ये मतलब आपको यही एक्सेलेटर सिखाएगा और गिराएगा यही भी, ठीक है। इसी का काम है सिखाना और गिराना। कैसे आप लोग गिरते हैं, कैसे सीखते हैं, ये बाद में हम लोग बताएंगे। पहले आ जाते हैं, एक्सेलेटर के बगल में आ जाता है ब्रेक। ये राइट हैंड जो ब्रेक है, राइट हैंड ब्रेक का कनेक्शन आगे वाले चक्के के साथ होता है, ठीक है। राइट हैंड ब्रेक का कनेक्शन आगे वाले चक्के के साथ होता है, हमेशा याद रखिएगा। लेफ्ट हैंड ब्रेक का कनेक्शन हमेशा पीछे वाले चक्के के साथ होता है, इसको कॉम्बो ब्रेक भी बोलते हैं। इसका कनेक्शन बेसिकली दोनों चक्के के साथ रहता है, ठीक है। अब आ जाते हैं एक्सेलेटर, तो आप लोग समझ गए यहाँ पर एक्सेलेटर है, दोनों साइड ब्रेक है। अब हम लोग पहले चाबी लगाएंगे। चाबी कैसे लगाएंगे ये चीज़ सीख लीजिए। कभी भी चाबी को ऐसे सीधे मत लगाइएगा आप लोग, कभी भी स्कूटी का कभी भी चाबी ऐसे सीधे नहीं लगेगा, कभी लगेगा ही नहीं। थोड़ा सा ऐसे टेढ़ा करके, देखिए मैं चाबी टेढ़ा किया हूँ, ऐसे नहीं किया हूँ, चाबी टेढ़ा किया हूँ, हल्का टेढ़ा करके मैं डाला और ये चली गई अंदर, ठीक है। अब चाबी अंदर चली गई, उसके बाद जहाँ पर अब मुझे ऑन करना है, तो ये देख रहे होंगे आप लोग थोड़ा सा ये अच्छे से क्लियर नहीं दिख रहा है, क्योंकि वो जो लिखा था वो मिट चुका है, ठीक है। तो ये इसको जब चाबी को ऊपर करेंगे तो यहाँ लाइट जल गई, ठीक है, लाइट जल गई। देखिए जैसे यहाँ पर मैं ऑन किया तो यहाँ लाइट जल गई, अब ऑटोमेटिकली ऑफ हो जाएगी। तो गाड़ी हो गई मेरी ऑन, ठीक है। अब गाड़ी ऑन हो गई, अब मुझे क्या इसमें अब करना है फर्स्ट डे, तो देख लीजिए। गाड़ी मैंने ऑन किया तो सबसे पहले गाड़ी स्टार्ट करने का यही रूल है, कोई भी स्कूटी को स्टार्ट करने का एक ही रूल है, कोई भी एक ब्रेक को ऐसे दबाए रखेंगे। इसको दबाए रखना है, इसको छोड़ना नहीं है, दबा कर और यहाँ पर बटन को ऐसे प्रेस करेंगे, गाड़ी हो जाएगी स्टार्ट, गाड़ी स्टार्ट हो जाएगी, समझ गए। कोई भी एक ब्रेक दबाकर, मैंने इस ब्रेक से ऐसे टेस्ट करके दिखाया, ये ब्रेक भी आप टेस्ट कर सकते हैं, लेकिन अभी इस ब्रेक को आपको टच नहीं करना है, इसलिए मैंने उसको भी टच नहीं किया। क्योंकि स्टार्टिंग में जो बिगिनर होते हैं उनको यहाँ पर एक्सेलेटर भी मिल जाता है, यहाँ ब्रेक भी मिल जाता है, इसीलिए अभी इस ब्रेक को टच नहीं करना है। मैं बोलूँगा इसी ब्रेक से अभी आपको यूज़ करना है, पीछे वाले ब्रेक से, लेफ्ट हैंड ब्रेक को यूज़ करना है और राइट हैंड ब्रेक को एक्सेलेटर यूज़ करना है, ठीक है। इतने दूर तक कोई दिक्कत। उसके बाद आ जाते हैं, अब गाड़ी मैंने स्टार्ट किया, तो फर्स्ट डे हम लोग क्या करेंगे, फर्स्ट डे डायरेक्ट स्टार्ट करके जो बोलते हैं कि चलो धीरे धीरे बढ़ाओ, धीरे धीरे बढ़ाओ, तो उससे क्या होगा, उनको कुछ पता ही नहीं है, उनको स्कूटी के बारे में पता ही नहीं, कैसे बढ़ाते हैं भाई। ये स्कूटी एक बार एक्सेलेटर लगेगी तो आप कहाँ जाकर गिरोगे आपको भी नहीं पता है, ठीक है। तो वैसे कभी नहीं करना है आप लोग को। पहले मैं बता देता हूँ, अगर आप अकेले हैं घर पे या कोई फैमिली मेम्बर है उनको भी मैं बता देता हूँ कि कभी भी ऐसा मत बोलें उनको, जो कभी साइकिल भी टच नहीं किए फीमेल या गर्ल्स, कि वो स्कूटी लिए और आप धीरे धीरे बढ़ाओ ना, आप चलोगे तो उसमें गिर जाओगे आप। सबसे पहले उनको क्या करो, आप ऐसे गाड़ी को करो और डबल स्टैंड, देखिए डबल स्टैंड यहाँ पर होता है, डबल स्टैंड पे उनको लगा कर, डबल स्टैंड पे ऐसे लगा कर गाड़ी को उनको खड़ा कर दो, ठीक है। अब गाड़ी हो गई, देखिए चक्के अब हवे में आ गए, ठीक है। अब गाड़ी कहीं नहीं भागने वाला है भाई, अब गाड़ी स्टार्ट में करूँगा, गाड़ी कहीं नहीं जाएगा, ठीक है। अब देखिए उनको बैठा दीजिए, जो भी है, मान लीजिए मैं सीखने वाला हूँ, यहाँ पर ऐसे में बैठ गया। अब मैं गाड़ी को अगर ऐसे में एक्सेलेटर लगा भी देता हूँ
अब जैसे मान लिया मैं स्टार्ट किया यहाँ पर गाड़ी, एक्सलेटर लगा भी दिया अगर जोर से, देखिए अगर आवाज़ आ रही होगी आपको, ऐसे लगा भी दिया तो गाड़ी कहीं नहीं जा रही है, मैं सेफ हूँ यहाँ पर, ठीक है। तो सबसे पहले अब उनको बताना है कैसे करना है एक्सलेटर फर्स्ट डे। देखिए हम लोग फर्स्ट डे कैसे बताते हैं अपने कस्टमर को और वो सीख जाते हैं, मात्र 7 से 10 दिनों के अंदर वो बिल्कुल एकदम कंप्लीट सीख जाते हैं। आप लोग देखे होंगे वीडियोस डली हुई हैं, तो कैसे मैं करता हूँ और हम लोग की टीम पूरी बताती है। तो ये चीज़ देखिए, ब्रेक से दबा कर अब स्टार्ट हो गई मेरी गाड़ी, ठीक है। कोई भी एक ब्रेक दबा कर आप स्टार्ट कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अब जैसे मैंने स्टार्ट किया तो कभी भी आप एक्सेलेटर को ध्यान दीजिएगा, कभी भी एक्सेलेटर को आप लोग, इस एक्सेलेटर को देखिए, इसको एक्सेलेटर मैंने आपको बताया था फर्स्ट टाइम बताया था, तो इस एक्सेलेटर को कभी भी ऐसे करके मत खींच लीजिएगा रोड पे जब उतारेंगे, तो ऐसे कभी मत खींचिएगा, कभी भी गलती ये मत कीजिएगा। यही गलती अक्सर लोग करते हैं, अगर जो लोग करते हैं वो ज़रूर यहाँ पर कमेंट करें, ठीक है, क्योंकि आप लोग यही गलती करते हैं। हम लोग अब तक लगभग 100+ लोगों को मैंने पर्सनली सिखाया है, तो सारे लोग लगभग यही गलती करते हैं, इसको देकर खींच लेते हैं और ये नहीं खींचना रहता है, ठीक है। फर्स्ट डे हम लोग को क्या करना है, देखिए यहाँ पर थोड़ा सा नज़दीक लेकर आएंगे, दिखाएंगे अच्छे से। यहाँ पर देखिए, सबसे पहले मैं आपको साइड से यहाँ करके बता रहा हूँ ताकि आपको क्लियर पता चले, मैं ऐसे नहीं पकड़ रहा हूँ, आप लोगों को पकड़ना ऐसे ही है, ठीक है। मैं साइड से बता रहा हूँ ताकि आपको क्लियर पता चले। देखिए इसको मैं करूँगा अप डाउन, 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 देख रहा है। मैं इसको लंबा नहीं खींच रहा हूँ, मैं इसको ऐसे करके नहीं खींच रहा हूँ, ये कभी गलती भी मत कीजिएगा, ये गलती है, ठीक है, ये गलती है। हमेशा इसको थोड़ा ऐसे आप किए फिर डाउन किए, थोड़ा आप किए फिर डाउन किए, थोड़ा आप किए फिर डाउन किए, जितना छोटा छोटा आप स्टेप लेंगे ना, हर एक स्टेप से आप छत तक पहुंच जाएंगे। हर एक सीढ़ी को क्रॉस करना है, डायरेक्ट छत से नहीं कूदना है, ठीक है, नहीं तो गिर जाएंगे। तो छोटा छोटा आपको स्टेप लेना है, फर्स्ट डे ऐसे ही करना है, डबल स्टैंड पे हमेशा याद रखिएगा, डबल स्टैंड रखना है और ऐसे ही छोटा छोटा स्टेप लेना है, बिल्कुल ऐसे ही छोटा छोटा आप लोग स्टेप लेंगे और तभी आप लोग अच्छे से, जब तक आपको एक्सेलेरेटर पर कमांड ना आए, अच्छे से कमांड इससे ना आ जाएगी, मैं छोटा छोटा करने में बिल्कुल, अब मेरे से कोई गलती नहीं हो रहा है, मेरे से अब लंबा ये एक्सेलेरेटर नहीं हो रहा है, तभी आप इस चीज़ को फिर आगे का मैं स्टेप बताऊंगा। फर्स्ट डे का हम लोग का यही प्रोसेस है, ठीक है। ये देखिए चक्के जो दिखा रहे हैं वो हवे में है, अभी गाड़ी कहीं नहीं जाएगी, एकदम डरना ही नहीं है बिल्कुल, फर्स्ट डे भी नहीं डरना है, ऐसा मैं चीज़ सिखाऊंगा कि फर्स्ट डे भी आपको डर नहीं लगेगा, ठीक है। अब मैं सेकेंड स्टेप मेरे को आप यहाँ पर दिखाएंगे, ठीक है। ये देखिए यहाँ पर अब जो एक्सेलेरेट आप ले रहे थे, तो मैं आपसे करवा रहा था ऐसे अप डाउन, अप डाउन। तो अब क्या करना है, इस ब्रेक को यहाँ पर लेफ्ट हैंड ब्रेक को, क्योंकि अभी मैंने बोल दिया था राइट को आपको टच नहीं करना है स्टार्टिंग डेज में, वो भी मैं बताऊंगा, एक टाइम आएगा वो भी मैं बताऊंगा। तो अभी आपको क्या करना है, ऐसे अप किया फिर डाउन किया तो ब्रेक लगाया, अप किया डाउन किया ब्रेक लगाया, अप किया डाउन किया ब्रेक लगाया। जब मैं अप कर रहा हूँ ना, जब मैं एक्सेलेरेटर को ऐसे बढ़ा रहा हूँ तो ब्रेक छोड़े रहूँगा, बस इस पे हाथ रखे रहूँगा, ऐसे ऐसे हाथ रखे रहूँगा। देखिए जैसे मैंने ऐसे अप किया, ब्रेक अभी तक नहीं लिया, फिर जैसे डाउन किया ऐसे, तो ब्रेक मैंने ले लिया। इसका मतलब ये होता है कि आप गाड़ी को रोकना चाह रहे हैं, तो रोकने का काम कौन करेगा, ब्रेक काम करेगा, ठीक है। एक्सेलेरेटर का क्या काम है, बढ़ाना, तो जब मैं बढ़ा रहा हूँ तो ब्रेक का कोई यूज़ नहीं है, तो इसको ऐसे बढ़ाया डाउन किया ब्रेक लगाया, बढ़ाया डाउन किया ब्रेक लगाया, इसे डाउन करके ही ब्रेक लगाना है, कोई एक बार में एक ही काम, या तो ये बढ़ा लो या तो इसको लगा लो, दोनों एक साथ लगाओगे आगे जाके गिर जाओगे, ठीक है, तो समझ गए। तो ये हमारा फर्स्ट डे का है, फर्स्ट डे इतना ही है और आगे सेकंड डे का आप लोग वेट करें, सेकंड डे भी जल्दी आएगा। आप लोगों को पूरा एक यूट्यूब पे एक ऐसा अभी हम लोग लगाने वाले हैं कि इससे मतलब आपको 70-80% स्कूटी चलाना खुद से आ जाएगा, बिना किसी के हेल्प के, मैं एकदम पर्सनली बता रहा हूँ आपको, इतने लोगों को मैंने ट्रेन किया है तो एक्सपीरियंस हमारा बता रहा है, ऐसी कोई बात हवे में यहाँ पर नहीं होती है कि 5 मिनट में स्कूटी सीखे, 10 मिनट नहीं कोई सिखाएगा, अगर सिखाता है तो मैं उसे जो आप बोलो मैं उसे वो दूंगा, अगर 5 मिनट में कोई स्कूटी किसी को सिखा देता, मेरे ही कस्टमर को आप सिखा के दिखा दो जो भी ऐसा बोलते हैं, ठीक है। तो ये गलत बात है, आप लोग सही चीज़ सही जगह से सीखें और बेस्ट सीखें, क्योंकि यूट्यूब ऐसी जगह है जहाँ बहुत सारी वीडियोज़ आपको मिलेंगी, तो यहाँ से सीखें आप, खुद रिजल्ट अपने आप फील करोगे, लेकिन ये चीज़ करना है, ऐसा नहीं बेड पे देखे और फिर सो गए, तो ये मैं पढ़ाई नहीं करवा रहा हूँ, ऑन फील्ड यह काम होगा, ठीक है, ऑन फील्ड काम करोगे तभी ये काम होगा, ऐसा नहीं बेड पे ऐसे यूट्यूब देख रहे हैं, आग पे फ़ोन गिर गया फिर सो गए, फिर सुबह उठे अच्छा पॉज बंद कर दिया, तो ऐसे नहीं सीख पाओगे, ठीक है। तो ठीक है, आज के लिए बस इतना ही, सेकेंड डे हम लोग का जल्दी आने वाला है, थैंक यू फॉर वॉचिंग, थैंक यू सो मच।